सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में दुर्ग यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी या फ़ोन से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है। फ़ोन में तो फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। उसके बाद दुर्ग यूनिवर्सिटी सर्च करना है आपको। तो वो जो सेकेंड वाला सर्च रिजल्ट आएगा, पहला वाला आपको नहीं खोलना है, सेकेंड वाला durgyuniversity.in है, उसमें आपको क्लिक करना है। आप फिर वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बोर्ड में यहाँ पे गाइडलाइंस दिया है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, आप उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसमें पूरा बताया गया है कि आप एडमिट कार्ड खुद से कैसे डाउनलोड करें। और जो फर्स्ट वाला डाउनलोड एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो आप इसको PDF फाइल को देख सकते हैं कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, आप पूरा पढ़ लें अगर आपको ज़रूरत है तो। तो आपको नोटिफिकेशन बोर्ड में जो पहला वाला ऑप्शन है डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर एग्जामिनेशन 2019, उसमें क्लिक करना है। वो खुलने के बाद आपको एक स्टूडेंट पोर्टल लेफ्ट साइड में दिखेगा, स्टूडेंट वाला स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल, उस पर क्लिक करना है। फिर उसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और उसका पासवर्ड डालना है जब आपने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था उस समय वाला। फिर उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे लास्ट में, उसमें क्लिक करके आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट में क्लिक करना है और आपका एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे फ़ोन में आप कर रहे हैं या पीसी में कर रहे हैं तो इसको प्रिंट में क्लिक करेंगे तो एक सेव एस का ऑप्शन आता है, तो सेव एस PDF करना है, फिर बाद में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको PDF फाइल सेव कर लेना है, उसके बाद आप किसी भी कंप्यूटर से या प्रिंटर से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।